नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं निखिल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चाइनाज की कंपनी ने $8 मिलियन श्रीलंका से डिमांड किया है। क्या है पूरा मुद्दा जानेंगे इस वीडियो में। साथ चाइना और श्रीलंका का उर्वरक विवाद भी इस वीडियो में जानेंगे। साथ साथ इंडिया का क्या रोल है इसमें ये भी जानेंगे। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा इस वीडियो में। साथ ही बहुत सारे आर्टिकल भी आजकल आप देख रहे हैं कि इसमें पब्लिश भी हो रहे हैं कि चाइनाज पे वांटेड टू श्रीलंका टू पे फॉर द निग्लेजेंस। और भी एनआई का भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसमें $8 मिलियन श्रीलंका अथॉरिटी से डिमांड किया है चाइनीज फर्टिलाइजर कंपनी में। क्या है पूरा मुद्दा जानेंगे इस पूरे वीडियो में। शुरू करने से पहले आज का एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उसमें कौन कौन सी चीज इंक्लूडेड नहीं है। आपके ऑप्शन हैं क्रॉप रोटेशन, यूरिया, ग्रीन मैन्योर, कंपोजिट एंड फार्म यार्ड मैन्योर। क्या है इसका सही ऑप्शन, ये आप कमेंट करके बताएं। जो करेक्ट आंसर है इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दे ही दूंगा। थैंक यू। पहले जान लेते हैं कि श्रीलंका का लोकेशन कहाँ है। तो श्रीलंका का लोकेशन है इंडिया के ठीक साउथ में। इंडियन ओशन से घिरा हुआ कंट्री है, ये स्मॉल कंट्री है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ कंट्री, इंडिया नेबर है। और ये डिटेल मैप है, बड़ी मैप में इसका आप लोकेशन देख सकते हैं। इंडियन ओशन से चारों ओर घिरा हुआ कोलंबो कैपिटल है। अब पूरे मुद्दे को जानने के लिए बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि पूरा मुद्दा स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो कहानी स्टार्ट होती है अप्रैल में। अप्रैल में क्या होता है कि श्रीलंका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये लोग अनाउंस कर देते हैं कि हम अब से, आज के डेट के बाद से, हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, ये सब चीज़ हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग 100% ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। भाई काम तो बहुत अच्छी है, 100% ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके पीछे क्या क्या रीज़न दिया इन्होंने, तो रीज़न में ये दिया कि भाई हेल्थ प्रॉब्लम इससे होती है, यूरिया वाली खाद से, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड से यूज़ करने से हेल्थ प्रॉब्लम होती है। ये तो भारत में भी होती है, हर जगह होती है, ठीक है। इसके साथ इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन भी होती है कंट्री की, ये भी सही बात है। तो ये मेन रीज़न दिया कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बैंड कर रहे हैं, इसके जगह हम लोग 100% ऑर्गेनिक पे जाएंगे। इसके साथ साथ श्रीलंका ने यह भी सोचा कि इसका एम बनाया कि हम लोग फर्स्ट कंट्री बन जाएंगे ऐसा करने के लिए। हालांकि वैसे कि भूटान ने तो पहला ऑर्गेनिक, कंप्लीट ऑर्गेनिक पे कर लिया, लेकिन इन्होंने चाहा कि साउथ एशिया में हम लोग सबसे पहला कंट्री ऐसा बन जाए जो कि केमिकल फर्टिलाइजर का कंप्लीट यूज नहीं करें और 100% ऑर्गेनिक की तरफ चले जाएं। और मेन रीज़न इसके पीछे ये था कि इनका जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रही है उसमें जो इन लोग का एस्टिमेट था कि $300 से $400 मिलियन का ये लोग केमिकल फर्टिलाइजर बाहर से कंट्री से मंगाते हैं, जिनका इनको इंपोर्ट करना पड़ता है और इंपोर्ट इनके विदेशी मुद्रा भंडार से जाता है पैसा, तो ये कट होगा। तो इंपोर्ट कट होगा तो इनको हर जगह जहाँ जहाँ से पैसे बच सके वहाँ वहाँ से बचाने थे, तो इन्होंने ये कदम उठाया। और इन्होंने ऐसा सोचा कि अगर हम लोग ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होते हैं तो हमें ये चीज़ केमिकल फर्टिलाइजर बाहर से नहीं मंगाने पड़ेंगे और हमारा काम हो जाएगा और हम लोग ऑर्गेनिक के समय सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। जैसे ही ये डिसीजन आया, अब क्या होता है, अगले महीने मई जून में होता है ना, मैसिव डिमोन्स्ट्रेशन होने लगा। क्यों डिमोन्स्ट्रेशन होने लगा, क्योंकि अचानक से फार्मर को बोल दिया गया कि आप लोग डायरेक्टली ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो जाए। अब कोई भी चीज़ डायरेक्टली आप शिफ्ट करोगे, रातों रात डिसीजन ले लोगे, तो ना कि फार्मर को भी हैबिट्यूटेड थे, ना ही वो सॉइल उस तरह से हैबिट्यूटेड थी, तो वो बोले कि हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग केमिकल ऑर्गेनिक पे नहीं जाएंगे, हमको केमिकल चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए। इसी कारण मेन रीज़न था डिमोन्स्ट्रेशन होने का। और उसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर तो इन्होंने बैन कर रखा था, तो केमिकल फर्टिलाइजर का शॉर्टेज भी होने लगा। तो ये लोग खेती करें तो कैसे करें, सबसे बड़ा रिस्क था कि खेती करेंगे तो फिर कैसा होगा, खेती क्या होगा, लॉस में हो सकता है, क्या हो सकता है, 100% बहुत ज़्यादा रिस्क था, इसलिए मेन डिमोन्स्ट्रेशन होगा। उसके साथ अब जब डिमोन्स्ट्रेशन होने लगा तो कुछ लोग, किसान लोग और आम जनता क्या किए, जितने फूड स्टॉक था कंट्री में, क्योंकि लोग समझ गए थे कि आगे पता नहीं क्या होगा, फूड मिलेगा नहीं मिलेगा, खेती कैसी होगी, ये समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए होल्डिंग करने में कि स्टॉक करना शुरू कर दिए फूड का। तो फूड का स्टॉक होने लगा, उसके साथ साथ ब्लैक मार्केटिंग भी होने लगा, ब्लैक मार्केटिंग होने लगा, फूड की क्राइसिस हो गई पूरे। आप लोग एक दो तीन महीने पहले न्यूज़ सुने होंगे कि श्रीलंका में फूड की क्राइसिस हो गई, वैसी डेवर इसी ये मेन रीज़न था, इसके कारण फूड की क्राइसिस हो रही थी। इन लोग का जो अचानक से जो डिसीजन आ गया कि 100% ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होना, इसी कारण से यहाँ पे फूड की क्राइसिस होने लगी, ब्लैक मार्केटिंग हो रही, फार्मर प्रोटेस्ट करने लगे। ये सब चल ही रहा था, तो अब अगस्त आते थे, सरकार को कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, तो इन्होंने क्या किया कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लागू कर दी कंट्री में, क्योंकि इन्होंने ने बैंड कर रखा था केमिकल फर्टिलाइजर खेत में डालने के लिए, यूरिया और अदर केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब कुछ थे नहीं, तो अचानक से क्या करते, तो अभी के लिए, उस समय के लिए अगस्त में क्या किए कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दी। आगे क्या होता है, फिर अब सरकार हरकत में आती है, हरकत में आती है तो क्या करती है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझ लें तो टी का जो इनका कारोबार है, मतलब टी का जो एक्सपोर्ट है,
वही होता है $3 बिलियन का। अगर हम इसमें केमिकल फर्टिलाइजर और ये सब नहीं डालेंगे तो टी का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो एक्सपोर्ट ये लोग कर नहीं पाएंगे। ऑलरेडी ये लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हैं, तो और भी इनका एक्सपोर्ट लो होगा, तो इसके कारण और भी इनको दिक्कत होगा। साथ साथ रबड़ के साथ भी कहानी यही चीज है। ये तो हो गया खैर कैश क्रॉप, टी रबड़ ये सब कैश क्रॉप, और भी जो मसाले जो उगाते हैं ये सब जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये सब तो कैश क्रॉप हो गया। इनके साथ तो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगी। फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, तभी ऑर्गेनिक से अगर डायरेक्टली ग्रो भी करते हैं तो शुरुआत के कुछ सालों में तो अच्छा प्रोडक्शन होता नहीं, अगर आप डायरेक्टली शिफ्ट करते हैं इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल फर्टिलाइजर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे। तो इस कारण से इनको देर से ही लेकिन ये चीज समझ में आ गई कि अगर हम कुछ नहीं करें तो कैश क्रॉप पे हमें फर्क पड़ेगा, उसके कारण मेरा एक्सपोर्ट जो करते हैं टी और रबड़ ये भी चला जाएगा। उसके साथ ये तो हो गया कैश क्रॉप की बात। अब आगे पैडी की, मैं धान की, मैं चावल की बात नहीं करूँ, तो चावल में भी क्या है कि इनको भी एक केमिकल इनपुट लगता है, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये सब लगता है। अगर आप नहीं डालोगे तो अचानक से इनकी फूड क्रॉप्स की भी दिक्कत हो जाएगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो ये सब रीजन हो गया। श्रीलंका का गवर्नमेंट को ये चीज समझ में है कि ये सब चीज हो सकती है, तो इन्होंने आपे धापे में क्या किया वो तो समझ में नहीं आया, तो क्या किया चाइना, चाइना का रोल आता है इसमें। चाइना से क्या किया इन्होंने, हटाया नहीं बैन, इन्होंने क्या किया कि चाइना से हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करके मंगा लेते हैं, चाइना से खरीद के ले आते हैं। ठीक है, चाइना ने इन्हें भेज दिया, चाइना से इसलिए इन्होंने मंगाया क्योंकि इनके पास ऑर्गेनिक पे तो शिफ्ट हो गए, लेकिन ऑर्गेनिक इनसफिशियंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर था इनके पास कि ये अपने देश के जितना डिमांड है उसको पूरा कर सके। इनको अपने देश के डिमांड को पूरा करने के लिए भी फर्टिलाइजर नहीं थे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं थे, तो इसीलिए इन्होंने चाइना से मंगा लिया कि हम लोग ऑर्गेनिक पे ही रहेंगे लेकिन हम लोग चाइना से मंगा लेते हैं फर्टिलाइजर। अब चाइना से मंगाना ही इन्हें बहुत भारी पड़ गया, यहाँ पे अलग कहानी अब शुरू हो जाती है। अभी क्या हुआ कि चाइना से मंगाया तो चाइना ने भेज दिया, लेकिन दिक्कत इस बात की हो गई कि 99 मीट्रिक टन तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर शिप पे ला के और उसकी कॉस्ट है $63 मिलियन की, उन्होंने चाइना ने तो भेज दिया। ठीक है, श्रीलंका अथॉरिटी ने क्या किया कि चलो भाई चेक करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आया ये सही है कि नहीं। तो इसमें पता चला माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें इविनिया नाम के है जो कि इन्फेक्शन कर सकते हैं, इलनेस कर सकते हैं, ये प्लांट के लिए भी, सॉयल के लिए भी, ह्यूमन के लिए, सबके लिए खतरनाक है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि कंटामिनेटेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाइना ने भेजा। अब ये चीज तो श्रीलंका अथॉरिटी को पता चल गई कि भाई अगर हम इसे हम फार्मर्स को दे देते हैं सब लेंगे तो हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, जो करने गए थे उसका सब उल्टा पड़ जाएगा। और ये सप्लाई किसने किया था, तो चाइना की एक कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी चाइना क्विंगदाओ सीबिन बायोटेक ग्रुप कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी है, ये शिप में लाद के ये चीज भेजी थी। अब तो यहाँ पे मामला फंस गया कि भाई अब चाइना से तो मंगा तो लिया लेकिन अब श्रीलंका ले नहीं रहा है उसको क्योंकि इसमें ये सब प्रॉब्लम है, उसमें कंटामिनेटेड फर्टिलाइजर है। ठीक है, तो चाइना का भी तो रिएक्शन आना वाजिब था, तो चाइना के एम्बेसी जो श्रीलंका में, उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि जो पीपल्स बैंक ऑफ श्रीलंका है जिससे कि ट्रांजेक्शन होना था उसको ही ब्लैकलिस्ट कर दिया कि मैं इस बैंक को ही ब्लैकलिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस पर आर्टिकल भी पब्लिश हुए थे कि एमिट फर्टिलाइजर रो चाइना ब्लैकलिस्ट श्रीलंकन कंपनी। इसके बाद होती है इंडिया की एंट्री। इंडिया क्या होता है 100 टन्स का मतलब हो गया 1 लाख kg नैनो फर्टिलाइजर श्रीलंका को भेज देता है इंडियन एयरफोर्स के C-70 ग्लोब मास्टर जो एयरफोर्स का जो विमान है वायुसेना का, उसमें लाद के दो C-17 से लाद के भेज देता है श्रीलंका के लिए टेम्पररी रिलीफ के लिए कि इनको पास तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उन्होंने चाइना से मंगाया वो तो गड़बड़ ही निकले और इनके पास तो ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करें तो कुछ तो टेम्पररी रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए इनको फूड क्राइसिस नहीं हो जाए, तो इसलिए इंडिया ने इन्हें दो हवाई जहाज भर के इनको टेम्पररी रिलीफ के लिए भेज दिया फर्टिलाइजर। तो अंतिम में इनको समझना चाहिए कि इंडिया ही इनका जो पड़ोसी है यही इनको काम आता है बार बार, और भले ये चाइना की तरफ कितना टिल्ट हो जाए लेकिन असली पड़ोसी इंडिया ही हेल्प करता है इनको। इंडिया इसका एक आर्टिकल भी फर्स्ट फर्स्ट पोर्ट में पब्लिश हुआ था, इंडिया कम्स टू श्रीलंका रेस्क्यू डिस्पाइट इस चाइना स्टिल्ट। तो चाइना की तरफ ये जितना भी झुक लें लेकिन असली इनका पड़ोसी इंडिया ही है, तो अगर चाइना और इंडिया में अगर इनको चूज करना पड़ेगा तो इनको समझना चाहिए कि कौन सा देश इसको रियल में हेल्प कर। 2 दिन पहले क्या बात होती है कि चाइना तो फंस गया, चाइना की कंपनी तो फंस गई कि अब उनकी शिप में लाद के फर्टिलाइजर भी आ गए लेकिन अब वो श्रीलंका ले भी नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया $8 मिलियन का फाइन लगा दिया श्रीलंका अथॉरिटी पे। किस लिए भाई, तो निग्लिजेंस इन इस टेस्टिंग और लॉस एंड डैमेज जो कंपनी को हुआ इसके लिए, निग्लिजेंस हुआ जो टेस्टिंग में और जो लॉस हुआ इसके लिए फाइन लगा दिया $8 मिलियन का। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा कि कंपनी के हमारा रेपुटेशन खराब होता है कि आपने सामान मंगाया और सामान लिया नहीं, इस कारण से आपको हमें $8 मिलियन का फाइन लगा देता है चाइनीज कंपनी जो
क्विंडोसिबिन बायोटेक लिमिटेड जो है उन्होंने फाइन लगा दिया। उसके साथ साथ ये भी धमकी दे दिया कि इस पर अगर आप नहीं पेड करोगे तो हम आप पे लीगल एक्शन भी लेंगे। तो चाइना की पॉलिसी इसी तरह से रहती है, जैसे ही अपने देश को कंट्रोल करते हैं कि वन चाइना ही रहेगा, मतलब जो मेरी बात रहेगी कम्युनिस्ट चाइना की वही सबको मानना ही होगा और कोई सेकंड ऑप्शन इसमें नहीं होता है। एक तो इसकी जो श्रीलंका वाली जो बात है ये तो चोरी भी हो गई, सीनाजोरी भी हो गई, तो ये भी ये सब बात हो जाती है। तो चाइना का रियल फेस यहाँ पे दिखता है, जो चाइना जो सॉफ्ट लोन इतना इजीली लोन जो बाकी छोटे छोटे जितनी कंट्री हैं जो इजीली ले लेते हैं, कहते हैं चाइना मेरा आयरन ब्रदर है, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, रियल चाइना का फेस यहाँ पे जो यहाँ पे दिखता है। ये किसी को अपना नहीं समझते, इनको बस सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है और ये कुछ भी थमा के अपना बस काम निकालना चाहते हैं। तो फाइनली अगर आपको ये पूरा मुद्दा यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि कैसे $8 मिलियन का फाइन लगता है लगा श्रीलंका को। फाइनली आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा चीज़ नॉट इंक्लूडेड है। तो नॉट इंक्लूड क्या चीज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूडेड नहीं होता, तो बाकी सब चीज़ तो ऑर्गेनिक चीज़ है, लेकिन यूरिया है ये केमिकल फर्टिलाइजर, तो करेक्ट ऑप्शन इसका यूरिया हो जाएगा। क्रॉप रोटेशन यूज होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ग्रीन मैन्यूर्स का यूज होता है, कंपोस्ट का, फार्म यार्ड का मैन्यूर का, ये सब का यूज होता है, लेकिन यूरिया एक केमिकल फर्टिलाइजर, इसका ऑर्गेनिक में यूज नहीं होता। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, knowledge_ABC, इस पे आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।